जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक कहानी सुनाते हैं, पुस्तक है साधकों के प्रति। पूज्य श्री स्वामी जी कहते हैं, एक प्रसिद्ध कहानी है। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज, यह तो बताओ कि पाप का बाप कौन है। कथा का शीर्षक भी यही है कि पाप का बाप। पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है, हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वैश्या रहती थी, उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूँ, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है, मेरे को उत्तर देना आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वैश्या बोली, आप वहाँ क्यों जाते हो, यह तो मैं यहीं बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात है, इतनी दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बतलाऊंगी। अमावस्या के दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया, 100 रुपया सामने भेंट दे दिए और कहा कि महाराज, आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे तो वह बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं। ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया, 100 रुपये और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोली, महाराज अब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ग्रास दे दूं। हाथ तो वे ही हैं जिनसे रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गए उसकी बात पर। उसने ग्रास को मुख के सामने किया और उन्होंने ज्यों ही ग्रास लेने के लिए मुख खोला कि उठाकर जोर से थप्पड़ मारा और वह बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, खबरदार जो मेरे घर का अन्न खाया तो। आप जैसे पंडित को मैं धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपए ज्यों ज्यों आगे रखते गए, पंडित जी ढीले होते गए। इससे क्या सिद्ध हुआ पाप का बाप कौन है? वो है रुपयों का लोभ। पाप का बाप कौन हुआ? रुपयों का लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के खास दरवाजे हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।